Okay, so we started with the substitution reactions of the alkenes. Okay, substitution reactions में हमने बात की है halogenation में. Halogenation में हमने क्या किया है? We substitute a halogen group. तो एक बारी namings भी देख लो सबकी. This is क्या नाम है इसका? Chloro benzene. ठीक है, इसी तरह अगर ब्रोमीन ग्रुप लगा होगा ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन. ओके, उसके बाद आता है नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बेंजीन रिंग बाय NO2 ग्रुप. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? जैसे वो क्लोरो था, ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? नाइट्रो बेंजीन. ओके, द थर्ड इज सल्फोनेशन, जहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वन ऑफ द हाइड्रोजन विद SO3H ग्रुप. दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, आपको सबके नाम भी पता होने चाहिए. दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. उसके बाद हमने की थी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन. दो तरह की थी, एक फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन थी, इन विच वी सब्स्टिट्यूट वन ऑफ द हाइड्रोजन विद द CH3 ग्रुप. ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉल्यूइन. क्या कहते हैं? टॉल्यूइन, राइट. एंड इन केस ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन वेयर the benzene ring it gets substituted by COCH3 group. कल किया था ना, in which the benzene ring it gets substituted by COCH3 group. इसका नाम है acetophenone. acetophenone own आ गया, that means functional group कौन सा है? ketone. ठीक है, तो ये R COR. Okay, so this is acetophenone. Clear है? अब ये reactions, इनके mechanism मैंने आपको कल सारे करवा दिए हैं. That are very very important with the mechanism part. ठीक है, में electrophile different generate हो रहा था, nucleophile का difference था, otherwise the same mechanism followed for the step 2 and step 3, सब में same था. आपने electrophile और nucleophile change करना है हर बार. Okay, ठीक है बेटा, करें आगे नेक्स्ट टॉपिक नाउ. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेयर द डाई सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन. डाई सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन? यानी कि ऑलरेडी हमारा एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, अब मैंने दूसरा ग्रुप जो है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करवाना है. ओके, सो दैट मीन्स द पिक्चर इज लाइक दिस. देर इज ऑलरेडी वन ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग एंड आई वॉन्ट टू सब्स्टिट्यूट वन मोर ग्रुप. एनी ग्रुप वी कैन टेक, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, हैलोजन ले सकते हैं, नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप है, क्लोरो ब्लोमो, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप है, और NH2 अमीन है, कीटोन है, कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ, एनी न्यू ग्रुप. ओके, सो नाउ द कंडीशन इज व्हेन द डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे एक्चुअली अकर इन केस ऑफ बेंजीन, जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट होता है, द ग्रुप already present in the benzene ring, it actually shows its influence. Incoming group पे जो already present group है वो क्या करता है? अपना influence show करता है. जैसे आपके घर में कोई आ गया है रहने के लिए, आप उसको direct करते हो ना कि तूने यहाँ पे सोना है, यहाँ पे रहना है, ये मेरी जगह है, ये तुम्हारी जगह है, ऐसे करते हैं ना हम उसको direct. तो same here, this group that is already present in the benzene ring, that is going to direct the incoming group. अब direct कहां पर करेगा? कि वो कहां पर लगे?
Okay, so we know in case of benzene, the three positions where this group it can actually attach, they are the ortho. और कौन सी हैं? मेटा एंड पैरा पोजिशन. दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजिशन. ओके, तो यानी कि जो आपका इनकमिंग ग्रुप है, इट कैन एक्चुअली टेक एनी ऑफ दीज पोजिशंस. ओके, फ्रॉम द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. अब इन्फ्लुएंस जो है वो किसका है? ये ऑलरेडी जो ग्रुप लगा हुआ है उसका. तो जो ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है वो क्या करेगा? इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करेगा कि तूने ऑर्थो पे लगना है, मेटा पोजीशन पे लगना है या पैरा पे लगना है. ओके, जनरली ऑर्थो एंड पैरा जो है वो एक साथ बनती हैं. वी गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जब भी सब्स्टिट्यूशन होती है. ठीक है, अगर ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है तो उसके साथ पैरा का भी जो है आइसोमर फॉर्म होता है इक्वली. ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस दे विल बी एग्जिस्टिंग बोथ, बट जो मेटा पोजीशन है वो अलग रहती है. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, नाउ राइट डाउन सम ऑफ द ग्रुप्स दैट विल एक्चुअली डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द ऑर्थो पैरा पोजीशंस. Groups that are ortho para directing. You can write down the examples of the group. Amine, NH2. अगर मैंने एक हाइड्रोजन की जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया है, एक हाइड्रोजन की जगह दो एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए हैं, दिस OH ग्रुप, दिस X एंड एल्काइल ग्रुप्स. ठीक है जी, दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इसका मतलब क्या है कि अगर बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इफ देयर इज क्लोरो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग और मैंने इसकी नाइट्रेशन करनी है. सपोज आई वांट टू ऐड NO2 ग्रुप इन द बेंजीन. नाइट्रेशन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो अब ये इनकमिंग यहां से आपका NO2 ग्रुप आएगा, ये Cl ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है. ये Cl ग्रुप जो है वो कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा. यानी कि ये जो NO2 ग्रुप यहां से आएगा, ये NO2 ग्रुप को कौन कौन सी पोजीशंस पे भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे. सो दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, ऑलरेडी Cl यहां पर. ठीक है, और सेकेंड केस क्या बनता है हमारे पास? पैरा. ठीक है जी, और साथ में निकलेगा वाटर, H2. हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा यहां तक? अब नेमिंग बोलो, नेमिंग बोलो. है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स, एक क्लोरो है एक नाइट्रो है. अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आएगा? क्लोरो. तो क्या नाम होगा? ऑर्थो. ऑर्थो पोजीशन पे तो स्पेसिफाई करनी है. ऑर्थो, क्लोरो, नाइट्रो. किसकी? उसकी तो अलग से आएगी ना, पहले इसकी बोलो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को छोड़ के. ऑर्थो, क्लोरो, नाइट्रो, बेंजीन. इसका क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो, क्लोरो, नाइट्रो, बेंजीन. और दूसरे का पैरा क्लोरो. पहले सी आएगा अल्फाबेटिकली. पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन. NO2 बोला तो है नाइट्रो, वो ऑर्थो दोनों पे ही हैं.
हम यहाँ पर ऑर्थो की बात वही कह रहे हैं कि एनओ टू ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो, तो ऑर्थो पहले लिखा जाएगा, ठीक है, बाद में आपने अल्फाबेटिकली करना। रमन, वी विल बी डूइंग विच पोजीशन इज एक्चुअली मोर स्टेबल, ठीक है, ऑर्थो के पैरा, ये मैं आगे बताती हूँ, पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लें इसका, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द मैकेनिज्म पार्ट नाउ, मैकेनिज्म विल बी डिस्कस्ड इन टू सेपरेट पार्ट्स, जहां पर आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे हैं, यहाँ पर ग्रुप्स लिखे हैं, इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ओनली अल्काइल ग्रुप इज देयर विच इज नॉट हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है उसका जो डोमिनेट करने का फैक्टर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म जो है वो दो वे से स्टडी किया जाएगा, एक तो जिनके पास लोन पेयर हैं उनके लिए, और एक सेपरेट जो है वो अल्काइल ग्रुप के लिए हम करेंगे, ओके। चलिए, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, when NH2 group is present on the benzene, ठीक है, इसी ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ये कैसे जो है वो डायरेक्टिंग है। तो सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे, एंड दिस बॉन्ड इट विल मूव टू दिस पोजिशन। एक चीज और, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, दीज बोथ आर द ऑर्थो पोजिशन, पता है ना, पता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर जब मैं इसको बनाऊंगी, इसका स्ट्रक्चर, सो व्हाट वी विल बी फॉर्मिंग, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2 विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, ये जो रिंग का बॉन्ड था ये यहां पर इस कार्बन के पास आ गया है, यानी कि इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास एक जनरेशन हो गई, अब हमने इसको साइड बाय साइड रेजोनेटिंग में लेके जाना है। अब अगेन इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में रिप्लेस कर दो, बॉन्ड को किसमें चेंज कर देना है, नेगेटिव चार्ज। NH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये यहां पर बॉन्ड आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर बॉन्ड। अब फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको बॉन्ड में चेंज करना है, जो बॉन्ड है उसको नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा बॉन्ड, हेयर द फर्स्ट बॉन्ड दैट इज ऑलरेडी, ठीक है, ओके। सो दीज ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द NH2 ग्रुप। अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक, तो स्टेबल पोजीशंस कौन सी बन रही हैं जहां पर उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है अटैक करने के लिए, देखो कौन कौन सी पोजीशंस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है उसको, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक ये। तो दैट मींस इफ NH2 ग्रुप इज देयर, इट विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टू विच पोजीशंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। क्योंकि जब NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किन पोजीशंस पे इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट करें फॉर द अल्काइल ग्रुप, नाउ व्हाट विल हैपन इफ द अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द रिंग, अल्काइल ग्रुप इज CH3 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इज CH3 ग्रुप, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी थी, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं रहता है, ये बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हेयर, ठीक है, अगेन जैसे आपने पहले रिंग में किया है वो सारा सेम चलेगा। वहां पर लोन पेयर के कारण जो थी वो स्टेबिलिटी आ रही थी, यहां पर कौन सा फैक्टर है, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो बाकी सारी चीज सेम चलेगी यहां पर। अगेन सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे विल बी देयर, ओके। यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, हेयर दिस कार्बन विल बी बेयरिंग अ डबल बॉन्ड, ठीक है जी, कार्बन विल बी बेयरिंग अ डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, साथ में ही रहेगा,
ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देन यू विल बी गेटिंग द सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाना है, ये इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देना है. देयर विल बी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड सी एच एच एंड दिस इज एच प्लस. क्लियर, बाकी सारा कुछ सेम है. अगेन आपने इसको आगे शिफ्ट करना है, ये बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पोजिशन पे आएगा. Again, you can see with the help of alkyl group also the electron density is there on the ortho and para positions only. ठीक है, तो जब electrophile आएगा, okay, any incoming group that will be directing on the these positions, ortho and para positions. क्योंकि हमने बेंजीन के केस में पढ़ी ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, तो सारे इलेक्ट्रोफाइल ही थे जो बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैक कर रहे थे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्टेबिलिटी फैक्टर. ईच टाइम यू सी कि जब भी यहाँ पर कंपाउंड्स बनेंगे तो हमारे पास दो ऑर्थो पोजीशंस आ रही हैं और एक पैरा पोजीशन आ रहा है, यानी कि जो आइसोमर आपके पास बनेगा उसकी रेशियो क्या होगी, इट विल बी 2:1 वेयर ऑर्थो पोजीशन विल बी हैविंग द टू स्ट्रक्चर्स एंड द पैरा पोजीशन विल बी हैविंग ओनली वन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो अगर मैं रेशियो देखूं, इस मिक्सचर को देखूं, तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये मुझे बता रहा है कि जो ऑर्थो पोजीशन है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें जो इनकमिंग ग्रुप है वो दो पोजीशंस पे डायरेक्ट हो रहा है, दोनों की दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे जा रहा है वो. ओके, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ वी सी दैट द ऑर्थो पोजीशन इज मोर स्टेबल देन द पैरा पोजीशन, बट एक्चुअली द पैरा पोजीशन, द पैरा आइसोमर दैट विल बी फॉर्मिंग दैट इज मोर स्टेबल. जो पैरा आइसोमर बनता है दैट इज मोर स्टेबल. व्हाट कैन बी द रीजन बेटा? अच्छा, इन द वेरी बिगनिंग आई गेव यू वन एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई आया है, आपके साथ रह रहा है, रूम शेयर कर रहा है, यू आर डायरेक्टिंग हिम और हर टू डू दिस, है ना, ये यहाँ पर है, ये वहां पर है, ऐसे करना वैसे करना. ठीक है, व्हाट अबाउट इफ ही और शी इज इंटरफेयरिंग इन योर वर्क, आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, है ना, आप उसको क्या कहोगे कि चला जाए जल्दी चला जाए, है ना. सो सेम इज द केस हेयर, यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशंस हैं आप देख सकते हो, उसके साथ ही जो पहले वाला ग्रुप है वो लगा हुआ है. द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप दे बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर, साथ साथ में हैं, साथ साथ में होंगे तो लड़ाई वाली बात हो गई, यही होगा ना, साथ साथ में है तो लड़ाई वाली बात हो गई, तो डैट मीन्स यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन है उसकी स्टेबिलिटी कम है. इफ इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द पैरा पोजीशन, वो ग्रुप वहां पर है, ये सेकंड ग्रुप यहाँ पर लगा, सफिशियंट डिस्टेंस इज देयर. ठीक है, स्टीरिक फैक्टर, जिसको हम स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं, एक्चुअली द स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर इट विल डिक्रीज इन केस ऑफ द पैरा आइसोमर. ठीक है, तो अगर ग्रुप जो है वो यहाँ पर लगेगा, सो द स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, तो रिपल्शन फैक्टर के कारण क्या होगा, जो ऑर्थो आइसोमर है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. एंड फॉर द पैरा आइसोमर, बिकॉज हेयर बोथ द ग्रुप्स दे आर एक्चुअली सफिशिएंट डिस्टेंस अपार्ट, सो इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज नॉट इन द पोजीशन टू रिपेल मोर, ज्यादा रिपल्शन फैक्टर नहीं आता है, तो इजिली जो ग्रुप है वहां पर अकोमोडेट हो जाता है. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो पैरा आइसोमर की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्थो आइसोमर, द ऑर्थो आइसोमर इट इज फॉर्मड इन एक्सेस, ज्यादा बनता है नंबर में, 2:1 रेशियो में जाता है. क्लियर है? चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन नाउ. अब हमने ऑर्थो पैरा पोजीशंस डायरेक्टिंग देख ली है, नाउ द नेक्स्ट आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. The next are meta directing groups.
So we will be discussing here about the groups that will make the meta isomer or the meta position more stable. Now, for the meta directing nature of the groups, you must be searching that. हाँ जी रमन, चार्ज डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर. जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम हो जाएगी ना विद डिस्टेंस. अगर ग्रुप साथ साथ में पड़े हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर दूर दूर हैं तो वो रिपल्शन फैक्टर कम हो जाता है ना. ठीक है, ओके रमन, ओके. चलिए, फॉर द मेटा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ द ग्रुप्स यू मस्ट बी सर्चिंग फॉर कि यहाँ पर मेटा पोजिशन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी. हम यही सर्च करेंगे ना. जैसे हमने ऑर्थोपैरा में कहा कि ऑर्थोपैरा पोजिशन जो थी वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए क्या हो रही थी, स्टेबल हो रही थी. ओके, बट हेयर इन केस ऑफ द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि मेटा ग्रुप के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आएगा. वी विल बी ट्राइंग टू सर्च और वी विल बी सीइंग हेयर that the ortho and the para positions they are becoming less stable. समझ रहे हो? पहले ortho and para positions ज़्यादा stable हुई तो हमने ये कह दिया कि जो incoming group आएगा वो इन positions पे आएगा. But in case of the meta directing group here these not are the groups that will actually activate the meta position. ये क्या करेंगे? ये ऐसे group हैं जो ortho और para position को deactivate करेंगे. ओके, अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस डीएक्टिवेट हो गई हैं तो बच्ची कौन सी पोजीशन से? मेटा. तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्योंकि मेटा पोजीशन ज्यादा स्टेबल हो गई है इस केस में. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जो है वो डीएक्टिवेट हो गई हैं तो इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो मेटा पोजीशन पे जाके स्टिक होगा या मेटा पोजीशन पे जाके लग जाएगा. ओके, सो राइट डाउन हेयर वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, एसिड्स आ जाते हैं यहाँ पर, COOH ग्रुप आ जाएंगे. ठीक है, नाइट्रो साइनाइड, नाइट्रो साइनाइड ग्रुप्स दे विल बी देयर एंड SO3H ग्रुप, एंड SO3H ग्रुप. तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स लेने हैं which are actually showing the resonance with the double bond with the benzene ring. अगर मैं benzene ring के साथ ये group attach करती हूँ तो ये resonance show करेगा. Being electronegative इसने क्या करना है? ये electron अपनी तरफ खींच लेने हैं. Carbon के ऊपर कौन सा charge आ जाएगा? तो फिर वो किससे मांगेगा? Ring से मांगेगा. तो ring के ऊपर कौन सा charge आना शुरू हो जाएगा? Positive. तो electrophile पे भी positive है. फिर electrophile कैसे attack करेगा? ठीक है, समझ आया? व्हाट इज द लॉजिक? सो हेयर वी आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली इन द रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग. तो हमने यहाँ पर ऐसे ग्रुप लेने हैं जो बेंजीन रिंग के साथ क्या शो करते हैं? रेजोनेंस शो करते हैं. सो राइट डाउन मैकेनिज्म करते हैं अब शो. तो अगेन आई विल बी टेकिंग द बेंजीन रिंग हेयर एंड दिस एल्डिहाइड ग्रुप. अब मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, अब इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. तो ये किससे मांगेगा? बेंजीन रिंग से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नाउ. अब देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया है. पहले इन दोनों के बीच में था, अब इन दोनों के बीच में आ गया है. पॉजिटिव चार्ज किसको मिला? इसको, यहाँ पर. सो हियर देयर इज पॉजिटिव चार्ज. बाकी पोजीशंस आ सच. ठीक है जी, अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है एफिशिएंसी गोज टुवर्ड्स डेफिशिएंसी. तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा. तो अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया. पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? इसके बीच में.
ठीक है जी। अब उसके बाद कौन सा बॉन्ड बच गया, दिस बॉन्ड, ठीक है। सो दिस बॉन्ड इट विल बी शिफ्टेड हेयर, तो ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, दिस इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बेटा यहां तक? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने ये नहीं देखना है यहां पर कि मेटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हमने ये देखना है कि हाउ द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन दे आर एक्चुअली डीएक्टिवेटिंग। सो यू कैन सी दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द पैरा पोजीशन एंड दिस इज द ऑर्थो पोजीशन। तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। सो द पॉजिटिव चार्ज ऑन दीज पोजिशंस दे मेक द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन डीएक्टिवेटिंग। तो यहां पर जो आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस हैं वो क्या हो गई हैं, डीएक्टिवेटेड हो गई हैं। सो द मेटा पोजिशन will be preferred for attack। तो attack के लिए फिर कौन सी position prefer की जाएगी, meta position prefer की जाएगी, ठीक है। तो let's take an example, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब सपोज मैंने यहां पर सी एच ओ ग्रुप लगा दिया है एंड अगेन आई वांट वन मोर सब्स्टिट्यूएंट टू बी अटैच्ड टू द पोजीशन। तो ये किस पोजीशन पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि सी एच ओ ग्रुप है ना। ठीक है जी। क्लियर हो गया? एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क बेटा। इसका है नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, दिस इज नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इससे पहले वाले का भी लिख लो अगर लिखना है, वो तो बता दिए थे ना मैंने आपको, पैराक्लोरोनाइट्रो बता दिया था ना। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप हियर, जैसे मैंने आपको एसिटोफिनोन बताया था, ठीक है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो डेट इज बेंजल्डिहाइड। और साथ में क्योंकि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो आपने लिखना है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट आर द फ्यूज्ड रिंग्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स और फ्यूज्ड रिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। हमने नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसमें दो बेंजीन रिंग्स जो हैं वो अटैच की गई हैं। These are the fused rings, जो एक दूसरे के साथ fuse की गई हैं, जोड़ दी गई हैं। Okay? This is the structure of naphthalene. Coming to the next is, एक और बताया था मैंने आपको anthracene के बारे में। तो यहाँ पर हमने तीन benzene rings जो हैं वो fuse करनी हैं। ओके, दिस इज एंथ्रासीन। सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पायरीन। तो एक दो एग्जांपल्स बेटा आपने याद कर लेनी है बस। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरीन।
सो कार्सिनोजेनिटी एंड टॉक्सिसिटी हम कल डिस्कस करेंगे, लास्ट है।